सीएम सोरेन ने एएनएम कर्मियों के बीच स्कूटर के वितरण मंत्रालय परिसर में किया गया इलेक्ट्रिक स्कूटर वितरण का कार्य आयोजन। सीएम सोरेन ने आगामी त्योहारों को लेकर भी की चर्चा। बिहार प्रभारी भक्त चरण दास पहुंचे पटना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से की मुलाकात। सदन में विधायकों के साथ हुई मारपीट पर की गई चर्चा। बिहार में बंद का किया विपक्षी दलों ने समर्थन। सीतामढ़ी के महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बंद कराई बाजार में खुली दुकानें। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। देश भर में कृषि कानून का विरोध लगातार जारी। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया भारत बंद का ऐलान। भाकपा माले और आरजेडी ने भी किया पुरजोर विरोध। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बिहार बंद का असर पूरे राज्य में सुबह से ही देखने को मिला था। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को यह ऐलान कर दिया था कि आज के दिन सड़कों पर हम रहेंगे और 26 मार्च को सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष सड़कों पर ही रहेगा। और हुआ भी कुछ आज के दिन ऐसा ही। बिहार में आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने बिहार बंद का आह्वान किया और जगह जगह प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, आम जनता इससे प्रभावित हुई। रिपोर्ट में आप देखिए। किसान संगठन के भारत बंद को बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी आरजेडी के साथ मिलने के कारण प्रदेश में इसका असर देखने को मिला। दरअसल आरजेडी विशेष सशस्त्र पुलिस बिल को लेकर पहले से सरकार पर हावी है। विधानसभा हंगामे के बाद से ही आरजेडी कार्यकर्ता ने जगह जगह इसका विरोध करते हुए दिखाई दी है और किसान संगठन के भारत बंद के आह्वान के बाद तो मानो बिहार में विपक्ष को एक मौका मिल गया हो जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। सुबह 4 बजे से ही बंद समर्थक नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। आरजेडी कार्यकर्ता ने पटना के बाईपास पर नंदलाल छपरा और कुम्हार गुमटी के पास सड़क पर जमकर आगजनी की और सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस विधेयक कानून जनता विरोधी है। उन्होंने कहा है कि इससे निर्दोष जनता को पुलिस अधिकारी फंसाएंगे। भारत बंद के नाम पर हो रहे प्रदर्शन के कारण जहां आम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जाम की वजह से हजारों गाड़ियां जहां की तहां फंस गई, वहीं सीएम नीतीश के मंत्री को भी बिहार बंद की वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। दरअसल बिहार सरकार में मंत्री संजय झा भगवानपुर के रास्ते मुजफ्फरपुर की तरफ निकलते दिखे, लेकिन सड़क पर हो रही आगजनी और प्रदर्शन के बीच मंत्री जी की गाड़ी वहीं पर फंस गई। बिहार के अलग अलग हिस्सों में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बक्सर, वैशाली, जहानाबाद, गया, बेगूसराय सहित सभी जिलों में आरजेडी और भाकपा माले के कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने में जुटे रहे। ज्यादातर जगहों पर बंद समर्थक आवश्यक सेवा में शामिल वाहनों को रास्ता दिखाते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन कहीं कहीं जोर जबरदस्ती की शिकायत भी मिली, जहां जबरन गाड़ियों को रोका गया, आगजनी भी की गई। बहरहाल किसानों के भारत बंद के आह्वान पर बिहार में विपक्ष का बंद कुछ और ही नजर आ रहा था और आरजेडी का बंद तो सिर्फ और सिर्फ विशेष सशस्त्र पुलिस बिल को लेकर ही दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। सीएसआर एक्टिविटी के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने झारखंड सरकार के साथ मिलकर नामकुम ब्लॉक की एएनएम कर्मियों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर का वितरण किया। यह वितरण सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा मंत्रालय परिसर में किया गया। साथ ही उन्होंने दुर्घटना में जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को मुआवजा राशि प्रदान की। इस दौरान सीएम ने मीडिया से बातचीत भी की, जहां उन्होंने त्योहार को लेकर लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की। झारखंड के एयरपोर्ट अथॉरिटी के सीएसआर और सरकार के सहयोग से हमारे कोरोना वॉरियर जो हमारी एएनएम है उनको बैटरी चालित स्कूटी अभी दिया गया। ये लोगों को, हमारे कोरोना वॉरियर को थोड़ा मोरल हाई रहेगा और हमारा प्रयास है कि ये लोग बिल्कुल जिस लक्ष्य उद्देश्य के लिए ये तैयार हैं उसको और मजबूती से करें। और यहाँ पर कुछ लोग, कुछ आपदा में लोगों की मृत्यु हुई है, उनको उन लोगों ने उनको सहायता राशि उपलब्ध की।
वैसे सियासत एक चीज ऐसी है, इसमें कब कौन दोस्त बन जाए कौन दुश्मन ये कोई नहीं जानता। दरअसल ऐसा इसीलिए आज के दिन हमने कहा क्योंकि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन वाली सरकार तो है, लेकिन वही जेएमएम अब पंजाब के अंदर जिस तरह से आपने देखा, माफ करिएगा, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेगी टीएमसी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल चुनाव में टीएमसी के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको नजर आएंगे प्रचार करते हुए, और वही जेएमएम असम में कांग्रेस के समर्थन में प्रचार अब करेगी और बीजेपी सरकार पर हल्ला बोल करेगी जो इस समय केंद्र में मौजूद है। और पूरी कोशिश यही जेएमएम की कैसे बीजेपी के वोट को काटा जाए। रिपोर्ट आप देखिए। राजनीति उस क्रिकेट मैच की तरह है जहां कब गेंद किसके पाले में चली जाए कहा नहीं जा सकता, राजनीति इसे ही कहते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री बंगाल में टीएमसी के समर्थन में प्रचार करेंगे तो वहीं असम में वे कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करेंगे। इस पूरी घटना को लेकर बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये गजब का विरोधाभास है, हेमंत सोरेन जब बंगाल जाएंगे तो वाम दल कांग्रेस के विरोध में बोलेंगे तो वहीं असम में जाएंगे तो कांग्रेस के समर्थन में। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपसी समन्वय की कमी के कारण ही ये सब जारी है। विरोधाभास वाली स्थिति देखने में आ रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब बंगाल जाएंगे ममता दीदी के तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करने के लिए तो वहाँ कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के खिलाफ बोलेंगे, और यही मुख्यमंत्री जब असम जाएंगे तो कांग्रेस के समर्थन में बोलेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए बंगाल गए हुए हैं, लेफ्ट और कांग्रेस का वहाँ गठबंधन है, वो तृणमूल कांग्रेस और हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कैसी स्थिति है, इनके बीच में आपस में तारतम्यता नहीं बन पाती, गठबंधन नहीं बन पाता, उल्टे आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन है बिल्कुल विरोधाभासी और एक ऐसा गठबंधन है जो अपने हितों के लिए सिर्फ मौका परस्त राजनीति के तहत साथ आते हैं लेकिन अलग अलग राज्यों में खेमेबंदी करते हुए दिखाई देते हैं। वह इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का टीएमसी के मुखिया के साथ अच्छा समन्वय है, वो किसी के लिए भी प्रचार करें वे स्वतंत्र हैं, असम में वे हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जहां भी जाएंगे बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाएंगे, वे हमें नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा कहना गलत है। हम समझते हैं हमारा जो गठबंधन है वो झारखंड में है और झारखंड में जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस राजद और जेएमएम है, तो ऐसे में वो स्वतंत्र है कि किसी के लिए प्रचार कर सकते हैं और वो आसाम में हमारे लिए कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी के लिए कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जो हमारा महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उसमें ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी, यहाँ जब गठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी की एक व्यवस्था होती है तो उस नजरिए से वो बंगाल में चुनाव प्रचार करने जा रहा है। बहरहाल सीएम के फैसले को लेकर बीजेपी का एक तरफ सरकार पर निशाना साधना है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उनका बचाव करती दिख रही है, लेकिन इन सब का झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से संवाददाता अभिनव कुमार की रिपोर्ट। और वहीं कांग्रेस की बिहार प्रभारी भक्ति चरण दास पटना के 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सदन में बीते दिन हुए पुलिस की कार्रवाई समेत अन्य मुद्दों पर बातचीत की और साथ ही बिहार की सियासत में महागठबंधन के आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। एक लंबे अरसे से भक्ति चरण दास बिहार भ्रमण कर रहे हैं और यही पार्टी को मजबूत करने में भी लगे हैं। राजगीर में नवनिर्मित नेचर सफारी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में सीएम के अलावा उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री भी मौजूद थे। राजगीर जेटिया मार्ग पर 19 करोड़ 29 लाख की लागत से बनाए गए नेचर सफारी में ग्लास ब्रिज, स्काई वॉक और सस्पेंशन ब्रिज समेत कई अन्य एडवेंचर सपोर्ट की व्यवस्था भी की गई। हर प्रकार से दोनों तरफ से इसका भी इसके बारे में भी बना दिया गया है तो होगा ताकि सब लोग सुरक्षित रहे और दिन भर ये खुला रहेगा और दिन भर लोग आएंगे और एक एक तरह का प्रबंध किया गया है कि जो भी इंटर करेंगे उनको एक टिकट लेना पड़ेगा, टिकट लेकर के वो घूमेंगे चारों तरफ,
और फिर लौट करके जाएंगे तो उनको उनका तस्वीर दिया जाएगा कि आप भाई घूमे हैं तो आपकी ये तस्वीर है। तो ये सब काम जो किया जाएगा यहाँ के बारे में, तो एक तो सबसे पहले जो बना आपको सबको मालूम है ग्लास स्काई वॉक, और फिर उसके बगल में ही है सस्पेंशन ब्रिज। अब सस्पेंशन ब्रिज पर भी जा सकते। मधुपुर उपचुनाव को लेकर एक तरफ प्रदेश में सियासी हलचल लगातार जारी है, ऐसे में पॉलिटिकल बयानबाजी का दौर भी शुरू है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता मधुपुर दौरे पे हैं। इसी क्रम में सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन भी मधुपुर पहुंचे और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को अचूक हथियार बताया और उनकी पीठ भी थपथपाई। विधायकों में एक ऐसे विधायक है कि जहां भी इसको जिसके ऊपर भी इसको चला दो ये अचूक हथियार है। और जो दशक से कारगर शस्त्र में से राजनीतिक शस्त्र में से अब अभिजुल भी इसमें जुड़ने जा रहे हैं। ऐसे अनेक लोग हैं यहाँ। इस बार हमारे पास जितने फौज है, नहीं देखिए इरफान जी एक सन ऑफ द सॉयल हैं, झारखंड के मूलवासी हैं और वो समय समय पर बड़े अच्छे मुद्दों को भी उठाते हैं। उन्होंने अपनी सरकार को भी कहा था कि इसमें जिस तरीके का भ्रष्टाचार है वो अकल्पनीय है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के बारे में भी कहा था कि मैट्रिक पास स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं की धज्जियां उड़ा दी। और पश्चिम बंगाल के चुनाव में झारखंड के घटक दल के नेता अलग अलग चुनाव प्रचार कर रहे हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जहां तृणमूल के पक्ष में चुनाव प्रचार करेगी तो कांग्रेस के नेता वामदलों का प्रचार कर रहे हैं। इससे एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां एक साथ खड़ी हुई तो वहीं झारखंड में घटक दलों की ओर से पश्चिम बंगाल के चुनाव में अलग अलग खेमों में चुनाव प्रचार करने पर पक्ष और विपक्ष की अलग अलग प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। लड़ भी रहे हैं तो क्यों, पहले अपने लड़ने वाले थे बाद में अब सपोर्ट में आ गए, तो ये सारी चीज़ों को जनता जो है वो बंगाल की समझ रही है। कहाँ दावा ठोक रहे थे कि हम लड़ेंगे 20 सीट पर 25 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का वक्त उठा लीजिए कुछ दिन पहले का। अब बाद में वो दीदी ने जब कहा कि आदिवासियों के लिए तो हम काम करते हैं तो समर्थन में चले गए, तो पता नहीं कौन सी बात हुई, क्या डील हुआ, किस प्रकार के समझौते हुए, ये तो वो लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए जब हम विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे हम कामों का आकलन पर बयान दे रहे हैं, हम सामाजिक ध्रुवीकरण पर और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर हमारा बयान नहीं हो रहा है। हमारा बयान हो रहा है बंगाल के विकास के ऊपर। अगर ममता दी बंगाल का विकास नहीं कर रही है तो स्वाभाविक तौर पर हम कहेंगे कि बंगाल का विकास जिस रफ्तार से होना चाहिए था वो रफ्तार से नहीं हो पा रहा। और बिहार विधानसभा में पुलिस और विधायकों के बीच हुई झड़प के बाद सियासी गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार अपने विचार साझा किए जा रहे हैं। इसी बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई। मीडिया से बातचीत के दौरान आरसीपी सिंह ने सदन के अंदर भाषण की ताकत चलने की बात कही, साथ ही उन्होंने बिहार बंदी पर भी अपना विचार साझा किया। लोकतंत्र में सब लोगों का अधिकार है सरकार की किसी नीति का विरोध करने का, उसमें बंद भी एक होता है, लेकिन मेरा अनुरोध होगा कि भाई बंद तो करते हैं लेकिन बंद में लोगों पर जबरदस्ती मत करें। शुरू से ही हमारी पार्टी का स्टैंड भी है कि हम लोग बहुत ही मर्यादित और संस्कारित व्यवहार अपने कार्यकर्ताओं को बताते हैं, क्योंकि हमारे जो नेता नीतीश बाबू उनकी पहचान ही इसी बात। विधानसभा के अंदर जो घटना घटती है तो उसके लिए विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो पूरी तरह से सक्षम है कार्रवाई। देखिए लोकतंत्र में सब लोगों का अधिकार है। देश भर में कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया था। झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस आरजेडी और लेफ्ट का समर्थन भी दिखाई दिया। इसी कड़ी में रांची के अल्बर्टिका चौक पर किसानों के समर्थन में इन पार्टियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान रोड जाम करने की कोशिश की गई, वहीं पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय कुमार ने। देखिए आप
किसानों के समर्थन में आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद बुलाया गया है और झारखंड में लेफ्ट कांग्रेस और आरजेडी ने इसका समर्थन किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से आरजेडी के लोग हो या लेफ्ट के लोग हो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि किसानों के समर्थन में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और कई जो संगठन हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, मालिक हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या वजह है सर? ये संयुक्त मोर्चा का भारत बंद का आह्वान था तीनों कृषि कानून के खिलाफ में, जब वो 120 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं उसी के समर्थन में हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और ये मांग कर रहे, किसानों के लिए मांग कर रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून है उसको तत्काल प्रभाव से सरकार वापस ले, MSP की गारंटी करे, और नहीं तो हम लोग सड़कों पर किसान। MSP की तो बात मोदी जी भी कर रहे हैं कि MSP हम हटा कहाँ रहे हैं। तो MSP को कानून बना दे ना, कानूनी रूप दे दे, जिस तरह से वो हर चीज को कानूनी रूप दे रहे हैं तो MSP को कानूनी रूप दे दे, मामला ही खत्म हो जाएगा। तो ये लड़ाई तो वही चीज का है ना, बोलना और करने में अंतर है। एक है कि कानून बना कर उसको लोगों के बीच में देना और एक है कि मुँह से बोलना। तो ये मुँह से तो बोल रहे हैं लेकिन कानून का रूप नहीं दे रहे, तो ये कहीं ना कहीं खोट दिखाता है। अगर मोदी सरकार 120 दिनों से लगातार जो किसान आंदोलन में 200 किसानों ने ज्यादा शहादत दी है उस पर एक शब्द नहीं बोलते, कहते MSP है, MSP रहेगा, तो भैया लोग ये आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन हमेशा होता रहेगा, मोदी जी को सुन ले। देखिए कह रहे हैं कि आंदोलन हमेशा चलता रहेगा जब तक जो ये कृषि कानून जो पास किए गए हैं जब तक ये वापस नहीं होंगे तब तक इनका विरोध चलता रहेगा। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं अन्य पार्टियों के लोग हैं वो समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं, किसानों के समर्थन में खड़े हैं, बैनर और पोस्टर लिए हुए हाथों में और कहीं ना कहीं कृषि कानून जो लाए गए हैं उनके खिलाफ में है। तस्वीरों में सीधा देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रोड बिल्कुल जाम कर दिया गया है, गाड़ियां जो है रुक गई है और देखिए किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन का दौर जो जारी है। आरजेडी के नेता है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। राजेश जी कब तक? ये आज हम लोग पहले ही घोषणा कर चुके थे भारत बंद है, पूरे राज्य में बंद है, सभी जिला में प्रदर्शन हो रहे हैं और यहां राजधानी में 12 बजे तक हम लोग ऊपर रहेंगे किसान आंदोलन के समर्थन में, किसानों की मांग को लेकर के, केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीति के खिलाफ, जन नीति के विरोध के खिलाफ एक बंद का हमान है और उसका हम लोग समर्थन। रिजल्ट तो देखने को नहीं मिल रहा है ना सर, 4 महीने का ज्यादा समय गुजर गया और अभी तक कुछ हुआ नहीं। किसान आंदोलन मोदी सरकार के पतन का कारण बनेगा। क्या कहेंगे सर आप, जिस तरीके से पूरा रोड भी जाम कर दिया गया है, हालांकि कुछ असर तो दिख रहा है लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें झारखंड में उतना असर नहीं देखने को मिल रहा। नहीं नहीं, असर तो पूरे देश में है। अगर आप बोलेंगे कि असर सिर्फ दिख नहीं रहा तो केंद्र सरकार को नहीं दिख रही है, जनता उसके साथ है, जनता लड़ रही है और केंद्र सरकार विरोध में है। किसान आंदोलन में जो काले कानून लाए हैं केंद्र सरकार, उसे निश्चित तौर पर आपस लेने पड़ेगी। जब तक आपस नहीं लेंगे तब तक किसान के साथ हम लोग के नौजवान, हमारे नौजवान, पार्टी के नौजवान उसके साथ में साथ रहेंगे और उसे किसी भी हाल में आपस लेने पड़ेगी। केंद्र सरकार तो कह रही है कि पार्टियों को बरगलाया जा रहा है ना, कि जिसके लिए कानून बनाए उनसे क्यों नहीं पूछे केंद्र सरकार, जिसके लिए कानून बनाया उसे पूछा ही नहीं, जब उनसे नहीं पूछा तो ये कानून बना किसके लिए। हम बोलते किसान अगर सहमत हो जाएंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया था जिसका मिला जुला असर झारखंड में देखने को मिला। कृषि कानून को वापस लेने को लेकर भाकपा माले और आरजेडी सड़क पर उतरे और इसका पुरजोर विरोध किया गया। इस पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और भारत बंद को बेमतलब बताया। साथ ही विपक्ष की पार्टी पर किसानों को बरगलाने का आरोप भी लगाया गया। देखिए 130 करोड़ की आबादी में इस देश में बहुसंख्यक जो आबादी है वो किसानों की, लेकिन कुछ ही हजार लोग रोडों पे दिख रहे हैं और कहीं कहीं रोड को जाम किए जाने की खबरें आई हैं। झारखंड में पलामू में ऐसी सूचना आ रही है, इक्का दुक्का एक दो जगह पे और आ रहा है। तो पूरे तरीके से ये सिर्फ डेढ़ राज्य का आंदोलन है और सबसे जो गंभीर बात वो है कि इनको नक्सलियों ने समर्थन दिया और इन्होंने नक्सलियों के समर्थन को ठुकराया नहीं है, ना ही उसकी निंदा की है, ना ही सार्वजनिक रूप से जो आंदोलन कर रहे नेता हैं उन्होंने कहा है कि हम राष्ट्र विरोधी शक्तियों का समर्थन नहीं लेंगे। तो ये अपने आप में
बहुत सारे संदेहों और सवालों को जन्म देता है। और सबसे बड़ी बात है, केंद्र सरकार लगातार वार्ता के लिए तैयार है। 12 से ज्यादा दौर का वार्ता हो चुका है। लिखित में आश्वासन देने को केंद्र सरकार बहुत सारे मुद्दों पे भी तैयार है। फिर भी अगर कोई डेडलॉक नहीं टूट रहा तो कहीं ना कहीं कुछ अदृश्य राजनीतिक शक्तियां हैं, वो नहीं चाहती कि इसका सौहार्दपूर्ण हल। और होली को लेकर पटना में कई संस्थाओं की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना को लेकर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हालांकि कार्यक्रम में कोरोना के नियमों का पालन किया गया और तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर, ये पटना की। संस्था है और ये पूरे विश्व के सारे बिहारियों को जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पे लाता है और इसका सकारात्मक एजेंडा होता है, पॉजिटिव एजेंडा के साथ काम करते हैं हम लोग। और हमारा हेल्थ केयर और एजुकेशन में फोकस रहता है और यूथ के स्टार्टअप पे, एम्प्लॉयमेंट पे हम लोग काम करते हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे फोकस रखते हुए कैसे जो यूथ जहाँ है, जिस गांव में है, शहर में है, उसको हम लोग एम्पावर कर सके ताकि वो वहीं पे अपना रोजगार देख सके। ये हमारा बहुत बड़ा एक एजेंडा रहता है। तो फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। और बिहार का एक नया, मुझे लगता है बिहार में एक नया जोश है, एक नया ऊर्जा है। उस ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए सभी लोग मिलकर आइए, बिहार को आगे ले चलते हैं। और खास करके इस होली में सभी लोग सेफ्टी के साथ अच्छे से इस होली को मनाएं अपने परिवार वालों। और बिहार में आज 12वीं क्लास का रिजल्ट आया और इस बार परिणाम में एक बार फिर से बिहार की बेटियों ने बाजी मारी। खगड़िया की मधु भारती आर्ट्स से इंटर की बिहार टॉपर बनी। मधु भारती अरलाल कॉलेज की छात्रा है और मधु भारती के पिता एक टीचर हैं, जबकि माँ हाउसवाइफ मधु की एक बहन भी है जो बिल्कुल उसी की तरह टॉपर रह चुकी है। मधु भारती की बहन कृति भारती 2016 में आर्ट्स से इंटर की टॉपर रह चुकी है। मधु भारती ने VIP न्यूज से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। कॉलेज में पढ़े, कोचिंग में पढ़े, कहीं भी पढ़े, लेकिन बच्चे सेल्फ स्टडी जरूर करें। और अभी जो माहौल है कि 50% ऑब्जेक्टिव आता है, 50% सब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चे को टेक्स्ट बुक का सहारा लेना ही पड़ेगा। जो बच्चे टेक्स्ट बुक का सहारा लेगा उसका ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव छोटी छोटी बिंदु पर ध्यान दिया जाता है ना। तो छोटी छोटी बिंदु पर ध्यान देने के लिए बच्चे को टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये टेक्स्ट बुक पढ़े और स्वाध्याय करे तो ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व होगा तो सब्जेक्टिव भी सॉल्व। तैयारी मैंने घर पे ही रह के सेल्फ स्टडी करी और टेक्स्ट बुक को मैंने सबसे पहले जितने भी मेरे टेक्स्ट बुक जो भी मेरे सब्जेक्ट थे उसको मैंने पूरी तरह से कम्प्लीट किया। उसको कम्प्लीट करने के बाद मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करा। काफ़ी साल के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस तरह से कैसे डील किया जाता है। तो एग्ज़ाम में मेरे लिए क्वेश्चन के साथ डील करना आसान हुआ। वहीं भागलपुर की नंदिनी भारती 12वीं की सेकंड टॉपर रही। नंदिनी लहरी टोला की रहने वाली और उनके पिता एक व्यापारी हैं। बिटिया के टॉपर होने की खबर मिलते ही परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं नंदिनी भारती ने इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता और परिवार को भी दिया। लॉकडाउन के समय इन्होंने घर पे रह करके सेल्फ स्टडी की, उससे क्या लगा? पढ़ाई के समय जब ये पढ़ती थी घर पे तो क्या किस और इसकी ध्यान अग्रसर होती थी? हमेशा पढ़ाई के प्रति थी या खेल के प्रति थी? ना ना, पढ़ाई के प्रति। और आप व्यवसाय के प्रति क्या कुछ है रुझान की व्यवसाय के प्रति ये रहे या फिर इधर जाए? ना ना, व्यवसाय हमारा ना है। सेकंड टॉपर हुए बिहार में और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा टेंथ में रिजल्ट 450 मार्क्स था, 90% और अभी 92.2% है। टेंथ में भी मुझे शौक था कि मैं टॉप हूँ, लेकिन टेंथ में मेरी मेहनत में कहीं कोई कमी रह गई होगी। ट्वेल्थ में मैंने मेरा पढ़ाई अच्छा मार्क्स मुझे सफल बनाया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और अभी हम TNB कॉलेज से हैं, ट्वेल्थ किए हैं और टेंथ हमने क्रैशियस गर्ल्स हाई स्कूल से किया। और मेरे पढ़ाई में मेरे पेरेंट्स बहुत सहयोगी दी थे, मतलब माता पिता की, पेरेंट्स की, स्कूल के टीचर लोग की, सबका योगदान रहा। बच्चियों ने बोला कि लॉकडाउन से कहीं कहीं हमें फायदा हुआ कि सेल्फ स्टडी करने का हमें बहुत ज्यादा मौका मिला। क्या बच्चियां घर पे रह करके पढ़ाई करती थी या फिर कहीं पे ट्यूशन वगैरह? नहीं, यहीं पर पढ़ाई करती थी घर पे सर के।
क्या हुआ? अच्छा जी, पूछिए क्या कैसा लगा रिजल्ट? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सब्जेक्ट था तुम्हारा? सर मेरा आर्ट्स में 5 सब्जेक्ट था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। इंग्लिश। अकबर कौन था यार? अकबर मुगल शासक का सबसे शक्तिशाली और सबसे महान शासक था, जिसने पूरे दिल्ली सल्तनत ही नहीं पूरे भारत को बहुत अच्छे से शासन किया। तो हिस्ट्री तुम्हारा स्लाइसन है क्या? मतलब अच्छा नंबर आया तो बहुत अच्छा। कहाँ स्कूल का नाम क्या है? सर स्कूल मैंने 10th क्राइस्टचर्च गर्ल्स हाई स्कूल से। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।